आजकल ऐसा सीलिंग शावर आता है, अगर आप समझते हो फोर सीलिंग हो जाएगा उसमें तो सीलिंग शावर का ऑप्शन छूटा हुआ रहेगा, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये सिस्टम बहुत अलग है। लेकिन हाँ, बहुत लोग लगा चुके हैं, लेकिन इसके बारे में वीडियो बनाया नहीं हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सतर्क हो जाए। यहाँ पर देख लीजिए, ये एडेप्टर रहता है और साथ में जो आपका सीलिंग शावर मिला है ये वाला। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आप समझ लेंगे, सीलिंग शावर है, बाद में ये फ्रेम कटिंग करके लग जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसके साथ एक आर्म पाइप आता है, ये भी आपको पहले लगा देना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस आर्म पाइप को लेकर, प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए, ये जो आर्म पाइप है ना, इसे भी आपको सीलिंग के हिसाब से रखना पड़ेगा। किस तरीके से, चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है इस तरीके से यहाँ फिट हो जाएगा, इसका पूरा हम फंक्शन दिखाएंगे अभी। इसमें यहाँ क्लिप आता है, वो भी हम खोल कर दिखाएंगे। उससे पहले शावर एडेप्टर को हम यहाँ खोलते हैं और इसका दिखाते हैं क्या सिस्टम है और इसे किस तरीके से लगाना चाहिए वो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में इस सब प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। चलिए, ये जो है एडेप्टर है, इसमें क्या है, ये जो आर्म पाइप है ना, ये आपका इस तरीके से अंदर लग जाएगा और ये पहले से फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है इसे आप नल लगाते वक्त या फिर डायवर्टर का अपर पार्ट लगाते वक्त लगाने वाले हो, नहीं, इसे पहले से फिक्स करना पड़ेगा। कैसे, चलिए दिखाते हैं। इसमें आपको 3/4 का 2 ब्रास एमएवीटी लग जाएगा, ठीक है, सीपीवीसी में, क्योंकि शावर का लाइन है, गर्म ठंड आएगा तो वहाँ सीपीवीसी का ही आपको देना पड़ेगा, या फिर हेक्स निप्पल देके आप एसएस का कनेक्शन पाइप दे सकते हो, बट उससे बेटर है सीपीवीसी पाइप दे दी, क्योंकि कनेक्शन पाइप से सीपीवीसी पाइप जो है वो बेटर है। अगर आप फोर सीलिंग जो है पूरा पैक हो जाता है वहाँ पर, अगर फोर सीलिंग का ऑप्शन होता है ऊपर जाने के लिए, खोलने के लिए, मेंटेनेंस करने का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पर आप कनेक्शन पाइप दे दीजिए हेक्स निप्पल देकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 टाइट कर चुका हूँ, ये हो चुका है रेडी। अब चलिए इसका जो है ना, पहले एक चीज दिखा देते हैं उसके बाद दूसरे में आते हैं। यहाँ पर जो है पहले मैं एक फिटिंग कर चुका हूँ और इसका दिखाने का मतलब ये है, दूसरा जो है वो थोड़ा अलग तरीका का है और वहाँ पर आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा। पहली बात, यहाँ पर क्या है, फोर सीलिंग नहीं हुआ है और आर्म पाइप साथ में लगा हुआ है। देख लीजिए, आर्म पाइप जो है आपको पहले से लगा देना पड़ेगा, बट यहाँ पर आर्म पाइप जो है वो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा और वो शावर लेकर आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप डायरेक्टली ड्रिल करके लगा देंगे और कुछ देखेंगे नहीं, तो बाद में अगर सीलिंग पूरा पैकिंग हो गया तो वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दिखाया इसलिए हूँ ताकि दूसरा जो दिखाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप कभी नहीं लगाए हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाला है। बस अगर चैनल में नए हो तो सजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। बाकी लाइक और डिसलाइक आपके हाथ में है, जो आपको अच्छा लगता है वो कर दीजिए। अब दूसरा मैं लाया हूँ इसलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो है फोर सीलिंग कटिंग करना पड़ा। फोर सीलिंग पूरा तो हुआ है लेकिन कलर वलर नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं क्लाइंट जो है खुद डिसाइड नहीं किए थे जो कौन सा शावर लगाना है, इसकी वजह से ये समस्या आया है। अब जब आया है तो इसकी वजह से बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपका फोर सीलिंग हो जाता है और शावर आप बाद में चूज करते हो तो वहाँ पर ये शावर तो आप लगा नहीं सकते, मतलब ऐसे नहीं लगा नहीं सकते, वहाँ पर तोड़फाड़ करना पड़ेगा अगर आपके पास ऑप्शन ना रहा तो। यहाँ का प्रॉब्लम और भी एक है, यहाँ का जो सीलिंग है काफी ज्यादा नीचे आ रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ा और ये एडजस्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि आर्म पाइप जो है इसका छोटा पड़ गया है, इसकी वजह से यहाँ पर लकड़ा मार के एडजस्ट करना पड़ रहा है। और इस लकड़े में एडेप्टर को भी डायरेक्ट चिपका रहा हूं। देख लीजिए, अगर ये शावर लगाते हो और अगर आर्म पाइप छोटा पड़ जाता है तो इस सिस्टम से आप कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा रेडी हो चुका है, लेकिन इसे भी जो है ना स्ट्रेट देखकर लगाना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट देखकर लगाते नहीं हो और आड़ा टेढ़ा आधा इंच भी हो जाएगा ना, तो शावर बहुत गंदा दिखेगा और स्क्वायर वाला रहता है। तो यहाँ पर जो है मेरा स्क्वायर वाला है और ये हम फिटिंग कर चुके हैं पूरा मेजरमेंट लेकर। किस तरीके से हम बताएंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से हम खिल्ला मारे है लकड़ा में और पूरा सेटिंग करके स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। इसे आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें साइड में एलेंकी आता है, उसे आप टाइट कर दीजिएगा तो ये और खिसकेगा नहीं। और इस सब पूरा दो दो खिल्ला मार के पूरा सीलिंग में ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दिया और इधर एमएवीटी लग गया, पाइप एल्बो लगकर पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर आप वहाँ पर हेक्स निप्पल देके कनेक्शन पाइप भी देना चाहते हो तो दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोर सीलिंग में मेंटेनेंस का ऑप्शन होना चाहिए। और ध्यान रखिए, शावर लेकर काम करना पड़ेगा क्योंकि शावर से आप एडजस्ट कर सकते हो आड़ा टेढ़ा। अगर शावर नहीं लेकर काम करते हो, आप अपने अंदाज से लगा देते हो, तो शावर जो है फिनिशिंग के बाद वो बहुत गंदा दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। सीलिंग में जब भी खिल्ला मारते हो तो एक साइड का खिल्ला मार दीजिएगा, उसके बाद शावर लगा के दोनों साइड दीवार से मेजरमेंट करके स्ट्रेट देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा खिल्ला या स्क्रू का आप मार्किंग लेकर शावर निकाल के ड्रिल करके फिटिंग कर दीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो है एक लॉक है, इस लॉक को लगा दीजिएगा शावर चेक करते वक्त, नहीं तो शावर जो है नीचे गिर सकता है और टूट भी सकता है। कुछ इस तरीके से लगेगा और वहाँ पर एलंकी का एक छोटा सा नट आता है, तो उसे लगा के आपको क्या है एलंकी में टाइट कर देना पड़ता है। बाद में, मतलब कब, जब आप
फाइनल फिटिंग करेंगे, ये अभी जरूरत नहीं है, नॉर्मली लॉक लगाकर आप चेक कर सकते हो। बाकी ध्यान रखिए आर्म पाइप जो है सीलिंग से कम 1 इंच नीचा होना चाहिए। सीलिंग के ऊपर हो जाएगा तो शावर लगेगा नहीं, और आर्म पाइप जो है पहले लग जाएगा, और उसमें एलिंग की जो दोनों साइड में आता है तो उसे आप टाइट कर दीजिएगा अच्छे से। अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो पानी का प्रेशर में बाद में नहीं तो नीचे भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भूलिए। फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के साथ आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।